पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में चल रही नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में भाजपा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। ममता बनर्जी का आरोप है कि उन्हें बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा, मैं बैठक में विपक्ष की ओर से अकेली थी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय मिला, जबकि मुझे 5 मिनट दिए गए। मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दों पर बोल रही थी, तब मेरा माइक बंद कर दिया गया। यह पश्चिम बंगाल और मेरे प्रति अपमानजनक है। सरकार ने ममता बनर्जी के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उन्हें बोलने का पूरा मौका दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इंडिया ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। ममता बनर्जी ने बैठक की एक दिन पहले नीति आयोग को समाप्त कर योजना आयोग को वापस करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक बीच में ही छोड़ दी। आरोप लगाते हुए उन्हें बोलने का पूरा मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया। इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया।